हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप का नाम जो है वह है एम स्कॉलर। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको magma.co.in में जाना होगा, वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल होना चाहिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑन 15 अगस्त 20 ईयर्स, यानी इस 15 अगस्त को आपकी एज 20 साल से कम होनी चाहिए। 20 साल हो भी तो चलेगा। दूसरी क्राइटेरिया वह यह है कि एप्लीकेंट शुड हैव सिक्योर मिनिमम 80% मार्क्स इन स्कूल पासिंग आउट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, यानी 12वीं स्टैंडर्ड में आपका 80% मार्क्स होना चाहिए। और स्टेट बोर्ड हो, CBSE, KV, ISC हो, कोई भी चलेगा, लेकिन 80% मार्क्स होनी चाहिए। और जो तीसरी और फाइनल क्राइटेरिया यह है कि फैमिली के मंथली हाउस होल्ड इनकम 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी 1.2 लाख पर NM से भी कम, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो ये तीन मेन क्राइटेरिया है यहाँ पर दिया गया है। और मैं स्कॉलरशिप की डिटेल आपको बता दूँ कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। आपको पर ईयर 50,000 रुपये मिल सकता है इस स्कॉलरशिप में। अगर आप इस तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको 50,000 रुपये पर एनम आपको मिल सकता है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको कहाँ अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको csr@magma.co.in इस वेबसाइट पर आपको अपने डिटेल ईमेल कर देना है। या अगर आपके पास ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो उसकी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर भेज देना है और वो लोग उस स्टूडेंट को कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ 100 स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के लिए। आपको ज़रूर 50,000 रुपये पर एनम मिलेगा। ये पूरा इंडिया के लिए है, ये स्टेट वाइज नहीं है, यह सभी स्टेट के स्टूडेंट को मिल सकता है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ वह भी अपडेट हो जाए। हमारे चैनल टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।